नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है पाकिस्तान से, जहां पर भारत का एक प्लेन जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हुआ क्या, फ्लाइट जो है उसको अमृतसर से अहमदाबाद जाना था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में चला गया। इसके बाद में वो पाकिस्तान में जो लाहौर जगह है उसके पास तक पहुंच गया, और फिर इसके बाद क्या हुआ वो पूरी खबर आपको बताते हैं। हालांकि इस बीच डॉन, जो कि पाकिस्तान का एक जाना माना अखबार है, उसका बयान आया है। इसके अलावा बयान भारत की ओर से भी आधिकारिक आया, और इंडिगो फ्लाइट की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सारी खबर बताते हैं आपको। दरअसल ये खबर जो है वो भारत के इंडिगो फ्लाइट को लेकर है, जो अक्सर चर्चाओं में रहती है किसी न किसी वजह से। अब इसके पाकिस्तान में घुसने को लेकर डॉन की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लाइट रडार के अनुसार 454 नॉट की गति से उड़ रहे भारतीय विमान ने शनिवार शाम करीब 7:30 बजे उत्तरी लाहौर में प्रवेश किया, और रात 8:01 पर वो भारत लौट गया। हालांकि इस मामले को लेकर एयरलाइंस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। इंडिगो की फ्लाइट 6E645 को शनिवार को खराब मौसम के कारण अटारी से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उतरना पड़ा। इस मामले में अमृतसर स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पाकिस्तान के साथ फोन के जरिए लगातार संपर्क साधे रखा। विमान में सवार चालक दल लगातार पाकिस्तान के साथ रेडियो पर संपर्क में रहा, और विमान सुरक्षित तरीके से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इसके बाद उतरा। तो ये बयान जो है वो एयरलाइंस की तरफ से दिया गया है। लेकिन क्या किसी विमान का इस तरीके से किसी ऐसे देश में उतर जाना जिसके साथ आपके संबंध जो हैं वो तनावपूर्ण हैं, एक ऐसे देश के साथ जहाँ पर जब अभिनंदन उतर गए थे तो काफ़ी बवाल हुआ था, ऐसे में क्या किसी प्लेन का, कॉमर्शियल प्लेन का, दूसरे दुश्मन देश में उतर जाना एक आम बात होती है? तो इसे लेकर बयान जो है वो भी आया है, जानिए। नागर विमानन प्राधिकरण यानी कि CAA के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि यह असामान्य नहीं है, क्योंकि मौसम खराब होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसकी इजाजत होती है। यानी कि अगर इस तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन पड़ती है तो इस तरह की परमिशन जो है वो आमतौर पर अलाउड होती है। लेकिन इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ भारत का ही विमान पाकिस्तान में पहुंच गया हो, ऐसा नहीं है। बल्कि हाल ही में मई के महीने में पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके के हालात पैदा हुए थे। तो पाकिस्तान में भारी बारिश होने के कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का एक विमान जो है वो तब भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, और करीब 10 मिनट तक वो भारतीय हवाई क्षेत्र में ही उड़ता रहा था। तब ये विमान जो है मस्कट से लौट रहा था, और उसे लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरना था। हालांकि भारी बारिश के कारण बोइंग 777 विमान के पायलट के लिए ऐसा करना तब मुश्किल हो रहा था, उसके बाद वो भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसा। लेकिन फिलहाल इंडिगो को लेकर ये खबर है जो कि पाकिस्तान में चला गया, हालांकि अब सब कुछ जो है वो सेफ है। VK News, राष्ट्र के नाम।